हर सुबह ही और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग Realme 5S, Redmi Note 8 और हाल ही में लॉन्च हुए Vivo U20 को कंपेयर करने वाले हैं। आप सभी को पता है ये जो तीनों स्मार्टफोन है Realme 5S, Redmi Note 8 और Vivo U20 10,000 से 12,000 रुपए की बजट में फिट हो जाता है। दोस्तों ये तीनों ही जो स्मार्टफोन है बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता और आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों की स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि 10,000 से 12,000 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन लेना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। दोस्तों पहले अगर तीनों स्मार्टफोन को देखा जाए, Realme 5S में आप लोगों को 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जहां पे आप लोगों को Corning Gorilla Glass 3 प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है। Redmi Note 8 में आप लोगों को 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ और यहां पे Vivo की U20 में आप लोगों को 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है पांडा प्रोटेक्शन के साथ। तीनों ही स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच आप लोगों को देखने को मिलता है और जो चिन है तीनों ही स्मार्टफोन में लगभग सेम ही है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है Realme 5S में, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन डिस्प्ले की अगर बात किया जाए, डिस्प्ले में अगर बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 8 और Vivo U20 बाजी मार जाता है क्योंकि यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लुक्स की तो तीनों ही स्मार्टफोन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पे Realme 5S टेक्सचर डिज़ाइन के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखता है, यहाँ पे Vivo भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ पे Redmi का Note 8 जो है वो ग्लास फिनिश के साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। और यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को कैमरा सेटअप फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे दिखेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए एडवांटेज की तो यहाँ पे ग्लास बैक के साथ Realme Note 8 बाजी मार जाता है। दोस्तों ये तीनों जो स्मार्टफोन है इनमें Realme 5S में आप लोगों को माइक्रो USB, Vivo U20 में भी आप लोगों को माइक्रो USB मिल जाएगा, लेकिन Redmi Note 8 में आप लोगों को टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। मतलब अगर आप Redmi Note 8 ले रहे हो तो आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए प्रोसेसर की तो यहाँ पे Realme 5S में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 665 मिल जाएगा, Redmi Note 8 में भी आप लोगों को स्नैपड्रैगन 665 मिलेगा, Vivo U20 में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 675 मिलेगा। मतलब अगर गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो Vivo U20 यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तीनों जो स्मार्टफोन है वहाँ के बेस वेरियंट में आप लोगों को 4GB का रैम मिलेगा और 64GB की स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पे बैटरी की बात किया जाए तो 5000 की mAh की बैटरी मिलेगी आपको Realme 5S और Vivo U20 में, लेकिन यहाँ पे Vivo U20 फिर से बाजी मारता हुआ दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी Vivo की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे Redmi का Note 8 जो है वो 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है, वहाँ पे भी आप लोगों को 18 वाट फास्ट चार्जिंग मिलता है। यहाँ पे Realme 5S 5000 बैटरी के साथ आता है और 10 वाट की फास्ट चार्जिंग आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब अगर बात किया जाए बैटरी की तो Vivo की U20 यहाँ पे फिर से आगे निकलता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कैमरे की तो यहाँ पे आपका Vivo U20 में थोड़ा सा कम कैमरा मिलेगा आपको, रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन Realme 5S और Redmi Note 8 में आप लोग को क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। यहाँ पे Realme 5S में आप लोग को 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, Redmi Note 8 में 48+8+2+2 का कैमरा मिलेगा और Vivo U20 में आप लोगों को 16+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। ये जो तीनों की कैमरा है यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर फोटो, वाइड एंगल और मैक्रो शॉट आप उठा सकते हो। यहाँ पे जो Realme और Redmi में एक डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे Vivo वो जो डेप्थ सेंसिंग का काम वो सॉफ्टवेयर के जरिए ही करने वाला है। यहाँ पे आप कुछ फोटो सैंपल्स देख सकते तीनों ही स्मार्टफोन की ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि तीनों की स्मार्टफोन में कौन सा कैमरा ज्यादा बेहतर है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए सेल्फी की तो यहाँ पे Vivo U20 में आप लोग को 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे Realme 5S और Redmi Note 8 पे आप लोग को 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा।
अगर बात किया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की तो तीनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को एंड्रॉयड 9 मतलब एंड्रॉयड पाई दिख जाएगा। रियलमी 5S में आप लोगों को कलर OS की लेयरिंग मिलती है, रेडमी नोट 8 में आप लोगों को MIUI की और वीवो U20 में आप लोगों को फंटस OS की लेयरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप ओवरऑल बात किया जाए कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा होगा तो यहाँ पे Vivo U20, अगर आप एक ओवरऑल ऐसा एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आए और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे तो Vivo U20 आप ले सकते हो। अगर आप इतना कैमरे स्पेसिफिक नहीं हो तो Vivo U20 आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कैमरा स्पेसिफिक हो और आपको अच्छा डिस्प्ले भी चाहिए तो आप Redmi Note 8 ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन सा एक स्मार्टफोन चाह रहे हो जहाँ पे आपको लगभग सब कुछ अच्छा अच्छा मिले तो Vivo U20 को आप ले सकते हो। नेक्स्ट आप अगर आपको थोड़ा कैमरा भी अच्छा चाहिए तो Redmi का Note 8 ले सकते हो। और आखिर में मेरा आखिर का जो ऑप्शन होगा वो होगा Realme 5S। यहाँ पे पहले नंबर पे मैं Vivo U20 को रखूँगा, सेकंड नंबर पे Redmi Note 8 को रखूँगा और थर्ड नंबर पे मैं Realme 5S को रखूंगा। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन इनमें से अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो Vivo U20 बेस्ट ऑप्शन है, तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा। दोस्तों यहां पे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन भी बताइएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।